तो दोस्तों आज हम बना रहे हैं साबूदाना का पराठा। खाने में बहुत ही टेस्टी है, आप इसे जरूर ट्राई करना, आपको बहुत ही पसंद आएगी। हेलो दोस्तों, आपका सोशनीता किचन में, कहो कैसे हो आप। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने गैस लाकर पैन को रख दिया है। पैन या कढ़ाई या कुछ भी ले सकते हैं। और पैन को हमने हाई फ्लेम पे गर्म कर लिया। गर्म पैन में 1 कप साबूदाना डाल देंगे। गैस को मीडियम कर देते हैं और मीडियम फ्लेम पे लगातार चलाते हुए साबूदाना को बिना घी बिना तेल के साबूदाना को भून लेंगे। गैस को तेज कर देंगे तो साबूदाना ज़्यादा लाल हो जाएगी और साबूदाना को हमें लाल नहीं करना है। 1 कप साबूदाना से आप 6 से 7 पराठे बना सकते हैं और साबूदाना की मात्रा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। लगातार चलाते हुए हमने साबूदाना को भून लिया है। आप देख रहे हैं ना, साबूदाना लाल बिल्कुल नहीं हुई है। अब यहाँ पर हम गैस को बंद कर देंगे और भुने हुए साबूदाना को एक दूसरे थाली में निकाल लेंगे। भुने हुए साबूदाना को हमें ठंडा करना है। इसके लिए हमें क्या करना है, आप चाहे तो भुने हुए साबूदाना को जल्दी से ठंडा करने के लिए पंखे के नीचे रख सकते हैं, या फिर आप इसे बड़े थाली में या फिर मोटा सा कोई भी कपड़ा लीजिए, उसमें साबूदाना को फैला दीजिए और ठंडा होने दीजिए। तो फिलहाल हम साबूदाना को भून कर पंखा के नीचे रख देते हैं और साबूदाना को हम ठंडा कर लेंगे। जब साबूदाना ठंडी हो जाएगी, हाथ से छूने लायक हो जाएगी ना, तो साबूदाना को मिक्सर जार में डाल देंगे और बारीक पीस लेंगे। तो साबूदाना को पीस लेते हैं ठंडा करके। यहाँ पर हमने एक मीडियम साइज का थाली लिया है और साथ में आटा छानने वाली हमने बारीक वाली छन्नी लिया है। तो छन्नी आपको बारीक वाली लेनी है, मोटी जाली वाली छन्नी नहीं लेनी है। तो साबूदाना को ठंडा करके हमने पीस लिया है। जिस तरीके से आटा छानते हैं ना, ऐसे ही हमें साबूदाना को छान लेना है। जो साबूदाना नहीं पीसी होगी, थोड़ी सी मोटी दरदरी होगी, वो छन्नी में रह जाएगी। तो 2 चम्मच लगभग साबूदाना आप देख रहे हैं ना, बच गई है। आप चाहे तो साबूदाना को दोबारा बारीक पीस सकते हैं या फिर साबूदाना को साइड में रख दीजिए। छन्नी को हमने हटा दिया। हाथ में लेकर देख रहे साबूदाना के पाउडर को एकदम मैदा की तरह पीस कर तैयार हुई है। बस साबूदाना जब भी छाने ना, आपको बारीक वाली छन्नी लेनी है। फिर यहाँ पर हमने साबूदाना वाला कप लिया है। 3 आलू था बड़े साइज का। आलू को बॉईल करके छिलका निकाल कर आलू को हमने कद्दूकस किया है। जितना हमने साबूदाना लिया है ना, उतना ही हमें आलू लेना है। आलू को हमें मैश नहीं करना है, आलू को हमें कद्दूकस करना है। मैश करेंगे आलू के छोटे छोटे टुकड़े रह जाएंगे। आलू को साबूदाना में इस तरीके से फैला देते हैं। 1 चम्मच है यहाँ पर हम लेंगे अदरक। अदरक को छील कर हमने बारीक बारीक कद्दूकस किया है। जितना तीखा खाते हैं उस हिसाब से आपको हरी मिर्च लेनी है और हरी मिर्च को हमने यहाँ पर कूट लिया है। धनिया पत्ती डाल देंगे। अगर आपका धनिया पत्ती है डाल दीजिए, इससे और भी बढ़िया टेस्ट आता है। आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर यानी ब्लैक पेपर पाउडर डाल देंगे और आधा चम्मच यहाँ पे हम जीरा डाल देंगे। जो भी आप व्रत में आप यूज करते हैं मसाला ना, जो भी चीज़ खाते हैं ना, आप वही डालिएगा। स्वाद के हिसाब से यहाँ पर हम व्रत वाला नमक यानी सीधा नमक डाल देंगे। अब यहाँ पर हम लेंगे 1 कप पानी। हमने नॉर्मल पानी लिया है और पानी हमें अभी नहीं डालना है। अभी पानी डाल देंगे ना तो डो हमारी ज़्यादा गीली हो जाएगी। तो पानी को हमने साइड में रख दिया। अब यहाँ पे साबूदाना के पाउडर को आलू को मैश करते हुए मिलाते हुए डो की तरह समेट लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे। आलू गीली होती है, पहले साबूदाना साथ अच्छे से मिला लीजिए। मिलाने के बाद अगर आपको थोड़ी बहुत पानी की जरूरत पड़ रही है ना, तो आप पानी के छींटे या फिर आधा से 1 चम्मच पानी डाल सकते हैं। तो बिना पानी डाले हमने यहाँ पे साबूदाना को आलू को मिला लिया है, समेट लिया है। अब डो को चिकना करने के लिए थाली में डाल देंगे 4 से 5 बूंद देसी घी। तो व्रत के लिए बना रहे हैं इसलिए देसी घी डालेंगे। अगर आप व्रत में तेल का यूज करते हैं ना, तो व्रत वाला तेल भी डाल सकते हैं। घी डालकर आटा को चिकना करेंगे ना, तो थाली से भी नहीं चिपकेगी और हाथ से भी नहीं चिपकेगी। यहाँ पर हमें घी डालकर आटा को चिकना कर लिया है। आटा को एकदम मुलायम गूंथ कर तैयार करना, टाइट आटा आपको नहीं लगाना है। और जितना बढ़िया आप साबूदाना के आटा को गूंथेंगे ना, उतने फूले फूले मुलायम पराठा बनकर तैयार होंगे। आटा को मसलते हुए बिना पानी के बिना घी के अच्छे से यहाँ पे गूंथ कर तैयार करेंगे। तो कुल मिलाकर 2 से 2.5 मिनट के लिए हमने आटा को गूंथ लिया। अब गूंथे हुए आटा को 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे, जिससे साबूदाना बिना अच्छे से फूल जाए। तो 15 मिनट हो गए हैं, फिर दोबारा आटा को मसल कर चिकना कर लेंगे। आप चाहे तो साबूदाना को पहले से पीस कर पाउडर बनाकर रख सकते हैं। और जब कभी आपका पराठा खाने मन करे, तो आलू को मिलाते हुए जल्दी से आप झटपट से पराठा बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम बड़े साइज का बॉल्स बनाएंगे और बॉल्स को इस तरीके से पेड़े का शेप देंगे। इधर करके सारे पेड़े हम बनाकर तैयार कर लेंगे।
आप चकला लेंगे और चकला के ऊपर सिंघाड़ा काटा छिड़क देंगे। आप चाहे तो कुटू काटा भी ले सकते हैं, जो भी व्रत में आप आटा खाते हैं ना, आटा यूज करते हैं, आप ले सकते हैं। तो सिंघाड़ा काटा लगाते हुए बड़े साइज की हमने यहाँ पे रोटी बेलकर तैयार कर लिया है। अब यहाँ पे एक बड़े साइज का बर्तन लेंगे और बड़े साइज की जो हमने रोटी बेलकर तैयार किया ना, उसे कट कर लेंगे, जिससे जब हम पराठा बनाएं पराठा सेम साइज की बनकर तैयार हो। आप चाहे तो छोटे साइज का भी पराठा बनाकर तैयार कर सकते हैं। वैसे तो कहा जाए पराठा तिकोने साइज में बनती है, लेकिन यहाँ पे हम राउंड शेप का ही पराठा बनाकर तैयार कर रहे हैं। और पराठा आपको ज़्यादा पतला नहीं बनाना है, रोटी के पीछे आपको मोटा ही रखना है। अब यहाँ हमने कटर लिया है। अगर आप छोटे साइज का पराठा बनाना चाहते हैं तो कटर से भी कट कर सकते हैं, लेकिन हमने बड़े साइज का पराठा बनाया ना, तो हमने बड़े साइज के बर्तन से बेली हुई रोटी को कट किया है। एक दूसरा प्लेट लेंगे, उसके ऊपर सिंघाड़ा काटा डाल देंगे और बेले हुए पराठे को प्लेट में रख देंगे, जिससे पराठा प्लेट से बिल्कुल न चिपके। फिर यहाँ पे हम बड़े साइज की रोटी बनाएंगे। जैसे हमने पहले पराठे को कट किया ना, वैसे ही इस पराठे को भी हमें कट करना है। किनारे में हल्का सा देसी घी लगा देंगे, जिससे आसानी से हमारा पराठा कट हो जाए और बर्तन से बिल्कुल न चिपके। किनारे वाले हिस्से को हटा देना है। बस याद रखिए, जब आप पराठा बनाए ना, तो रोटी का पीछा हल्का सा मोटा रखना है। एक एक करके इस तरीके से हम सारे पराठे बनाकर तैयार कर लेंगे। और गैस पे हमने तवा को रख दिया है गर्म होने के लिए। जब तवा गर्म हो जाए, गैस को मीडियम कर देना है। तवे पर हमने पराठे को डाल दिया। जब नीचे से पराठा सिक जाए ना, तो पराठा को हमें पलट देना है। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है ना, इस पराठा को खासकर बच्चे तो बहुत ही पसंद करते हैं। व्रत में भी खा सकते हैं और बिना व्रत के भी आप इसे खा सकते हैं। कहने का मतलब यह है ना, आप इसे बनाकर टिफिन में दे सकते हैं। छोटी मोटी भूख हो, यह रेसिपी एकदम परफेक्ट है, आसानी से बन जाती है, कोई भी तामझाम नहीं है। आपको जब भी मौका मिले, समय मिले, साबुदाना को मीडियम फ्लेम पे भून लीजिए और ठंडा करके बारीक पीस लीजिए। और साबुदाना को पीस कर आप स्टोर कर सकते हैं। और जब कभी इस तरीके से पराठा खाने मन करे, आलू को उबाल कर आलू को कद्दूकस कर लीजिए और साबुदाना के साथ मिलाते हुए सिर्फ 5 से 7 मिनट में आप ढेर सारे साबुदाना आलू के पराठा बनाकर तैयार कर सकते हैं। व्रत है तो आपको व्रत वाली चटनी ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, या फिर आप चाय भी ले सकते हैं। ठंडा खाइए, गर्म खाइए, हर तरीके से बहुत ही टेस्टी लगती है। वो भी तामझाम नहीं है, बस इस तरीके से आपको पराठा बनाना है। एक एक चीज़ मैंने आपको एकदम बारीक से बताया है, अच्छे से समझाया है, कहीं भी कुछ भी गलती ना हो। अगर सेम उसी प्रोसेस से मेरे बताए हुए तरीके से अगर आपने पराठा बनाया ना, आपके भी पराठे सेम ऐसे ही बनकर तैयार होंगे। और पराठा को हमें रोटी की तरह पतला नहीं बनाना, हल्का सा मोटा रखना है। तो आप हमने पराठा को बनाकर तैयार कर लिया है, थोड़ा सा आटा हमने बचा लिया, बचे हुए आटा को हम बाद में बनाएंगे। आप देख लेना कितना बढ़िया हमारा साबुदाना आलू का पराठा बनकर तैयार है। फिलहाल हम नवरात्र के लिए व्रत के लिए पराठा को बना रहे हैं, तो आप इस तरीके से चाहे व्रत हो बिना व्रत के भी ढेर सारे पराठे बनाकर तैयार कर सकते हैं। खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और जिस किसी को भी आपने खिलाया ना, पक्का आपकी तारीफ करेगा। आप इस पराठा को जरूर ट्राई करना। बस कुछ चीज़ याद रखिएगा, जितना आप साबुदाना ले रहे ना, उसी के बराबर आपको आलू को मैश करके लेना है। ग्लास से नाप के ले रहे हैं तो ग्लास से आपको आलू को नाप के लेना है, यानी जो भी चीज़ लेना बराबर ले। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।